हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर वेरी ओन चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी, और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए लेक्चर में, जहां आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मनी, जो कि स्पेसिफिकली है न्यू कोर्स वाले बच्चों के लिए। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो जो बच्चे अभी भी कंफ्यूज है उनको कंफ्यूजन में फटाफट से क्लियर कर देता हूँ। सीएमए फाउंडेशन में आपके इकोनॉमिक्स के अंदर एक छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है मनी नाम का, उसके अंदर ये टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ मनी का। ये वाला जो टॉपिक है न्यूली ऐड किया गया है न्यू सिलेबस में, पुराने सिलेबस में ये टॉपिक नहीं था। तो ऑलरेडी एक वीडियो मेरी मनी के ऊपर अपलोडेड है, जो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहां पे आपको ये टॉपिक मिसिंग होगा। क्यों? क्योंकि 2016 सिलेबस में ये वाला टॉपिक नहीं था, इसीलिए मैं सेपरेटली जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं उसको मैं सेपरेटली अपलोड करके प्लेलिस्ट में डालते जाऊंगा। तो मेक श्योर कि आप टाइम टू टाइम चेक करते रहना, और टाइम टू टाइम चेक करने का झंझट भी नहीं यार, सिंपल चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन आएगा उसको ऑलवेज ऑन पे कर लेना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आएगी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो एक भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। क्लियर बात है एकदम? हां जी सर। ओल्ड कोर्स वाले जो बच्चे हमको देख रहे होंगे नॉलेज पर्सपेक्टिव के लिए, आप देख सकते हो आपके सिलेबस का ये पार्ट नहीं है, ये स्पेसिफिकली न्यू सिलेबस वाले बच्चों को देखना है। क्लियर बात है एकदम? हां जी सर। तो आते हैं अपन टाइप्स ऑफ मनी में, छोटा सा छुटंकू सा प्यारा सा ये अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ मनी। तो इन एनी इकोनॉमिक सिस्टम यूजुअली देयर आर ऑपरेशंस या सर्कुलेशन ऑफ फोर टाइप्स ऑफ मनी, दे आर एज फॉलोस। हर इकोनॉमी में ये बोल रहा है कि ये चार टाइप के मनी होते हैं। सबसे पहला है कमोडिटी मनी, दूसरा है फियाट मनी, तीसरा है फिड्यूशरी मनी, और चौथा है कमर्शियल बैंक मनी। एक एक करके समझेंगे अच्छी तरीके से कि चारों आपस में क्या है। सबसे पहले आते हैं अपन कमोडिटी मनी पे। कमोडिटी मनी क्या? इट इज द सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट टाइप ऑफ मनी। क्या मतलब सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट टाइप ऑफ मनी? इस टाइप के मनी आजकल यूज में नहीं होते हैं। जब पहले जमाने में धीरे 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 मनी इवॉल्व हो रहा था, मनी कैसे इवॉल्व हुआ? सबसे पहले क्या था? बार्टर सिस्टम था, कमोडिटी के बदले हम कमोडिटी एक्सचेंज करते थे। धीरे धीरे मनी का कॉन्सेप्ट आया, स्टार्टिंग में क्या है? गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, अलग अलग मेटल के कॉइन आए। तो वो जो कॉइन्स होते थे वो एक पर्टिकुलर कमोडिटी से बनते थे, जैसे गोल्ड कॉइन है तो बट ऑब्वियस है कि वो सोने से बना है। अब सोना क्या है? कमोडिटी है, जो हम ऐसे भी सेल कर सकते हैं और उसको गोल्ड कॉइन्स के नाम पे बना के भी हम मार्केट में यूज करते थे। तो जो भी ऐसे कॉइन्स पुराने जमाने में स्टार्टिंग में धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे थे, बन रहे थे, जो कमोडिटी से बनते थे, गोल्ड, सिल्वर, अलग अलग मेटल्स हो गया, कॉपर वगैरह हो गया, तो इससे जो कॉइन बनते थे, इससे जो करेंसी बनती थी, उसको बोला गया कमोडिटी मनी। एज सिंपल एज दैट। क्लियर हो गई बात? आगे अपन और पढ़ लेते हैं। इट इज बिल्ड ऑन स्केयर या वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज दैट एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड यूनिट ऑफ अकाउंट। ये क्या होते थे भैया? स्केयर और वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज से बनते थे, जो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह सर्व होता था। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या? मनी का एक फंक्शन है, ऑलरेडी प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने बता चुका है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा। स्टोर ऑफ वैल्यू, इजिली हम उसको स्टोर करके रख सकते थे। आगे, कमोडिटी मनी इज क्लोजली रिलेटेड टू एंड ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ बार्टर सिस्टम। कमोडिटी मनी क्या? मैंने जैसे आपको बोला पहले बार्टर सिस्टम चलता था, बार्टर सिस्टम के बाद जब मेटेलिक कॉइन्स आने लगे तो उसमें कमोडिटी मनी आती है। वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर डायरेक्टली एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज। ये बार्टर सिस्टम का यहाँ पे मीनिंग हो गया, जहाँ पे हम गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको 1 kg वीट दिया है, आपने मुझे 1 kg राइस दे दिया, हमारे बीच में ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो गया। क्लियर बात? हाँ जी सर। एग्जाम्पल ऑफ कमोडिटी मनी आर गोल्ड कॉइन्स, बीड्स, बेड्स, शेल्स, स्पाइसेस एक्सेट्रा। तो प्रीशियस अपने मेटल से बन गए, प्रीशियस स्टोन से बन गए, यहाँ पे कॉइन्स हो गए वो आ गए, गोल्डन कॉइन्स आ गए, शेल्स आ गए, ठीक है, सी में हमको मिलता है ना बीच वगैरह में शेल्स, वो हो गए, स्पाइसेस वगैरह कुछ हो गए। तो इस टाइप के मनी को क्या बोला जाने लगा? कमोडिटी मनी। यानी बेसिकली क्या है? कोई ना कोई एक कमोडिटी है जिसको हम मनी के रूप में हम क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं। क्लियर बात एकदम? हाँ जी सर। नेक्स्ट इज फियाट मनी। फियाट मनी क्या है भैया? द टर्म फियाट मीन्स फॉर्मल ऑथोराइजेशन और प्रपोजिशन और अ डिक्री। फियाट मनी क्या है? ऐसा मनी जो प्रॉपर अथॉरिटी के साथ इशू होता है, दैट इज लीगल मनी। ठीक है, ऐसा मनी जो लीगल है, जो आजकल हम लोग देखते हैं जो करेंसी नोट्स हैं, जो क्या है? करेंसी नोट्स, 5,500 के नोट्स, 100 rupees के नोट्स, ठीक है, ये सब क्या है? लीगल मनी है। तो पुराना 1,000 का नोट क्या है? वो क्या हो गया? वो अब एक इलीगल मनी हो गया। क्यों? क्योंकि अब गवर्नमेंट उसको ऑथराइज नहीं करती, मतलब गवर्नमेंट ये नहीं बोलती कि भैया हम इसको मनी मानते हैं, इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, जो आजकल के नोट्स आते हैं उसमें आपने देखा होगा कि प्रॉपर जो गवर्नर है आरबीआई के, उनके सिग्नेचर होते हैं, मतलब वो एक ऐसा मनी है जिसको गवर्नमेंट बैक करती है कि हाँ भैया ये एक प्रॉपर मनी है, इसको हम मनी मानते हैं और कोई भी इसको लेने से मना नहीं कर सकता। आप सामान ले खरीदो, कुछ भी मार्केट में कोई भी सर्विसेज लो, रिटर्न में आप उनको ये दे दो, सामने वाला मना नहीं कर सकता कि नहीं भैया मैं ये नहीं लूंगा, मुझे कुछ और चीज दे दो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है बात? क्लियर है एकदम? हाँ जी सर। ऐसे मनी को बोला जाता है फियाट मनी। फियाट मनी मतलब जिसके पीछे प्रॉपर लीगल अथॉरिटी हो, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन उसके पीछे खड़ी हो, गवर्नमेंट उसके पीछे खड़ी हो, जो उसको बैक करती हो कि हाँ भैया ये ट्रू सेंस में मनी है। क्लियर बात है एकदम? हाँ जी सर। दिस मीन्स फियाट मनी गेट्स इज वैल्यू फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑर्डर। फियाट मनी ऐसा मनी जिसको वैल्यू कहाँ से मिलती है? गवर्नमेंट के ऑर्डर से। मान लो आपके पास एक करेंसी नोट आया, उसमें आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर ही नहीं है, तो क्या उसको हम मनी मानेंगे? नहीं मानेंगे भैया, वो तो एक फेक करेंसी नोट हो गया, वो क्या हो गया? एक फेक नोट हो गया। क्लियर बात है? हाँ जी सर। तो सर हम उसी पैसे को रियल मनी मानेंगे जिसपे गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, जिसको गवर्नमेंट बैक करती है। क्लियर?
हियर द गवर्नमेंट डिक्लेयर्स फिएट मनी टू बी लीगल टेंडर, ठीक है, लीगल टेंडर होता है ये, विच रिक्वायर्स ऑल पीपल एंड फर्म विद इन द कंट्री टू एक्सेप्ट इट एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट, इफ दे फेल टू डू सो दे मे बी फाइन और इवन पुट इन प्रिजन, अगर कोई भी लेने से मना कर दे, एक्सेप्ट करने से मना कर दे तो उनके ऊपर फाइन है, उनको जेल में भी डाल सकते हैं। अनलाइक कमोडिटी मनी, फिएट मनी इज नॉट बैक्ड बाय एनी फिजिकल कमोडिटी, बाय डेफिनेशन इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन इट्स फेस वैल्यू, सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ फिएट मनी आर कॉइंस एंड बिल्स। क्या बोल रहा है यहाँ पे, फिएट मनी एक ऐसा मनी होता है जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू इज लोअर देन इट्स फेस वैल्यू, मतलब क्या, मतलब इसका ये है जो हमारा 2000 रुपए का नोट है, ये क्या है अपने पास 2000 रुपए का नोट, अब इसको जो बनाने का खर्चा है, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, जो उसकी एक एक्चुअल वैल्यू है वो बट ऑब्वियस है कि 2000 से काफी ज्यादा कम होगी, 2000 का नोट लगभग अराउंड 3 रुपीज में बनता है, हालांकि 3 रुपीज से कम में भी बनता है, बट अराउंड अपन राउंड फिगर में समझ लेते हैं कि 3 रुपए में एक 2000 रुपए का नोट बन जाता है। तो यही बोल रहा है कि वो जो 2000 का नोट है उसकी फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू कितनी है 2000, बट इंट्रिंसिक वैल्यू बनाने का खर्चा एक्चुअल कॉस्ट कितनी आ रही है 3 रुपए, तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी, सिग्निफिकेंटली कम होगी उसकी फेस वैल्यू से, ऐसे मनी को क्या बोलते हैं, फिएट मनी। एग्जांपल क्या हो गया, कॉइंस बिल या करेंसी नोट वगैरह भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर बात एकदम, हां जी सर। आते हैं अपन अपने थर्ड टाइप ऑफ मनी पे, दैट इज फिड्यूशरी मनी। अब फिड्यूशरी मनी क्या है भी ये मनी, बट इसको गवर्नमेंट अपनी तरफ से ऑथराइज या बैक नहीं करती। और एग्जांपल क्या, चेक। अब चेक अगर आपने देखा होगा तो चेक में आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होते, चेक में आप अपना सिग्नेचर करते हो और सामने वाले को दे देते हो, तो सर क्या चेक इलीगल है, नहीं चेक लीगल इलीगल नहीं है, चेक लीगल है, बट क्या बोलती है गवर्नमेंट, उसको एकदम परफेक्ट मनी नहीं मानती। क्लियर बात है, क्योंकि चेक क्या हो सकता है, आपने किसी को चेक दिया, आपके बैंक में उतने वैसे नहीं थे, चेक आपका बाउंस हो गया, सामने वाले को पेमेंट मिली नहीं, बट आप किसी को कैश देते हो तो तुरंत तुरंत उसकी लाइबिलिटी क्या हो गई, सेट ऑफ हो गई यहाँ पे। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, गवर्नमेंट बोलती है कि चेक को हम गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं देते। अगर आपको चेक एक्सेप्ट करना है, बिल्कुल आप एक्सेप्ट कर सकते हो, इट इज लीगल, बट ट्रस्ट के बेसिस में ही एक्सेप्ट करो। अगर आपको लगता है कि हाँ भैया मैं चेक को बैंक में जमा करूंगा, मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, तब आप वो चेक लो, वरना ना लो। चेक को आप लेने से मना भी कर सकते हो, चेक मतलब क्या, एक एग्जांपल है फिड्यूशरी मनी का। तो फिड्यूशरी मनी को आप लेने से मना कर सकते हो, ठीक है, ये लीगल होता है बट लेने से आप मना कर सकते हो, उसमें गवर्नमेंट की कोई बैकिंग नहीं है। अगर आप सामने वाले के ऊपर भरोसा करते हो, ट्रस्ट करते हो, तो उस बेसिस में आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं भी। क्लियर बात है, हां जी सर। क्या बोल रहा है यहाँ पे, बाय द टर्म फिड्यूशरी इट इज मेंट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रस्ट स्पेशली विथ रिगार्ड टू द रिलेशनशिप बिटवीन अ ट्रस्टी एंड द बेनिफिशियरी। ट्रस्टी और बेनिफिशियरी के बीच में जो ट्रस्ट होता है, उसी के बीच में यहाँ पे ट्रांजेक्शन होते हैं। दैट इज वाई फिड्यूशरी मनी डिपेंड्स फॉर इज वैल्यू ऑन द कॉन्फिडेंस दैट इट विल बी जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अनलाइक फिएट मनी इट इज नॉट डिक्लेयर्ड लीगल टेंडर बाय द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इसमें बैकिंग नहीं है, विच मीन्स People are not required by the law to accept it as a medium of payment. जैसे मैंने कहा कि अगर मान लो कोई मेरे से आके क्लासेस लेता है, क्लासेस की फीस होती है 10,000, अगर बोला कि सर मेरे पास कैश नहीं है, मैं चेक में आपको पेमेंट कर देता हूँ, तो मैं सामने वाले को मना कर सकता हूँ कि भैया हम चेक नहीं लेंगे, आप कैश में पेमेंट कर दो, यूपीआई से ट्रांसफर कर दो, तो ये मैं कर सकता हूँ। अगर कोई मुझे कैश दे रहा है तो मैं उसको मना नहीं कर सकता। क्लियर बात है कि नहीं भैया मैं कैश वैश लूंगा नहीं, कैश में मैं मानता नहीं, तो मेरे को गोल्ड ला के दो, तो ऐसा काम मैं नहीं कर सकता। क्लियर बात है, हाँ जी सर। नेक्स्ट इज Examples of fiduciary money are check, bank notes और draft. ठीक है, draft हो गया, तो ये सब क्या हो गए, bill of exchange वगैरह हो गया, ये सब क्या हो गए, fiduciary money के अंदर आ गए। Last है अपना commercial bank money. Last क्या है अपना commercial bank money. अब ये जो commercial bank money एक तरीके से money का type नहीं है, but money को create करने का process ज्यादा है। ऊपर जो अपन ने 3 पढ़ा, that is commodity money. आप easily बता सकते हो कि हाँ मैंने आपको gold coin दिया, तो आप easily बता दोगे कि हाँ ये commodity money में आएगा। मैं आपको करेंसी नोट दूंगा, आप बोलोगे हाँ भैया ये फिएट मनी है। मैं आपको एक चेक दूंगा, आप बोलोगे कि हाँ भैया ये क्या है, फिड्यूशरी मनी है। बट अगर मैं आपको बोलूं कि कुछ इस तरफ का अलग कॉन्सेप्ट है, जिसको आप अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, वो आता है कमर्शियल बैंक मनी। क्योंकि ये कोई अलग टाइप का मनी नहीं है, रैदर देन इट इज अ मनी क्रिएशन प्रोसेस जो कमर्शियल बैंक फॉलो करती है। अगर आपको ध्यान होगा क्लास 12th में इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 5 मनी, वहां पे आपका एक स्टार्टिंग में ही टॉपिक आता है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक या मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। ये पूरा वही प्रोसेस है। तो मेरे हिसाब से ये टाइप ऑफ मनी के अंदर नहीं आना चाहिए, रेदर देन ये अलग टॉपिक होना चाहिए, बट क्योंकि इंस्टीट्यूट ने इसको टाइप ऑफ मनी में डाला, तो हम इसको इसी तरीके से समझेंगे और मानेंगे। तो बाय चांस अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि मनी कितने टाइप के होते हैं, तो आपको आंसर देना है 4। क्लियर बात है सर। आगे कमर्शियल बैंक मनी, अब क्या होता है ये कमर्शियल बैंक मनी, तो एनी टाइप ऑफ लोन बाय द कमर्शियल बैंक में बी टर्म्ड एज अ कमर्शियल बैंक मनी। कमर्शियल बैंक जो भी पैसा लोन के रूप में देती है, उसको क्या बोलते हैं, कमर्शियल बैंक मनी। अब जाहिर सी बात है, कमर्शियल बैंक जो पैसा देगी वो नोट्स में देगी, कैश में पैसा देगी, तो कैश में पैसा तो बट ऑब्वियस अपना ऊपर वाला हो गया, ठीक है, कैश में मनी क्या हो गया, अपना फिएट मनी हो गया। तो कमर्शियल बैंक मनी इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग टाइप ऑफ मनी के अंदर नहीं आता है, बट इंस्टीट्यूट बोलता है तो हमको वो चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी।
अब ये है क्या कमर्शियल बैंक मनी? तो मैंने आपको बोला कि बैंक कोई भी अगर लोन दे रही है तो दैट इज अ कमर्शियल बैंक मनी। बैंक यूज करती है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, बैंक यूज करती है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम। ये एक प्रोसेस है जिससे कमर्शियल बैंक जो है अपने लिए मनी क्रिएट कर पाती है। अब क्या प्रोसेस है मैं आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके सामने यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, ध्यान से देखना, अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम अजम्पशन लेके चलेंगे। पहला, कोई भी ट्रांजेक्शन अगर इकोनॉमी में हो रहा है, कोई भी इकोनॉमी में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वो बैंक के थ्रू ही होगा। वो क्या होगा? बैंक के थ्रू ही होगा। दूसरा, जितने भी कंट्री में बैंक है उसको हम एक वन सिंगल यूनिट हम कंसिडर करेंगे। ये दो हमारे अजम्पशन है। अब समझो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, मानो मैंने जाके 1000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट, मैंने क्या किया, 1000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किए। बैंक के पास अभी कोई भी पैसा नहीं था, बैंक के पास कितना आ गया, 1000 रुपीज आ गए। बैंक वाले क्या करेंगे, इसमें 20% जो पैसा है वो रिजर्व कर लेंगे। ये 20% फॉर एग्जाम्पल है, कम ज्यादा होते रहता है, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है CRR SLR का, जो बैंक वालों को मेंटेन करना पड़ता है। तो बैंक वाले एज अ रिजर्व 20% इस पैसे में अपने पास रिजर्व रख लेंगे। बचा जो बैंक के पास 800, वो बैंक क्या करेगी, बैंक उसको एज अ लोन किसी दूसरे पर्सन को दे देगी। ठीक है, मैंने क्या दिया, बैंक को 1000 रुपये मैंने अपने डिपॉजिट करवाए, बैंक ने 200 रुपये साइड में रख लिया और 800 रुपये बैंक ने एज अ लोन चढ़ा दिया। मान लो फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स को ये लोन मिला 800 रुपये का। अब मिस्टर एक्स क्या करेगा इस 800 रुपये का, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ खर्चा करेगा। हो सकता है गाड़ी लेगा, ठीक है, या सब्जी बाजार में खरीद लेगा जाके, अपना बिजनेस चालू करेगा तो कुछ एसेट लैंड वगैरह परचेज करेगा। क्लियर बात है, मतलब सीधी सीधी बात है कि मिस्टर एक्स जो है अपने पास जेब में पैसा नहीं रखेगा, इसको खर्चा करेगा। अब जब हमने बात की खर्चे की, जब हमने बात की इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की, तो हमारा पहला अजम्पशन था कि कोई भी इकोनॉमी में ट्रांजेक्शन होगा वो बैंक के थ्रू होगा। मतलब ये 800 रुपये जो मिस्टर एक्स खर्चा करेगा ये अगेन घूम फिर के बैंक में आ जाएगा घूम फिर के बैंक में आ जाएगा। मान लो मिस्टर एक्स ने 800 रुपए की सब्जी खरीद ली, तो सब्जी वाले ने पैसा उसको ट्रांसफर किया, बैंक में आया पैसा। ठीक है, अब बैंक वाले अगेन इसका 20% रिजर्व काट लेंगे, दैट इज 160 रुपीज। 160 रुपीज इसकी रिजर्व कटेगी और कितना अमाउंट हमारे पास आएगा, हमारे पास बचेगा 7, 6 और 4, 640 रुपीज हमारे पास बचेगा बैंक के पास वापस अगेन लोन देने के लिए। अब मान लो इस बार बैंक ने मिस्टर वाई को लोन दे दिया, मिस्टर वाई अगेन इसको खर्चा करेगा, वो वापस पैसा घूम के बैंक के पास आएगा, बैंक अगेन उसमें 20% जो भी होता है अपना रिजर्व वगैरह बनाएगा और फिर बचे पैसे को अगेन वो लोन दे देगा। और ये साइकिल अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन कंटिन्यू होती जाएगी। कब तक? जब तक इनिशियल डिपॉजिट बैंक के पास हो जाएंगे 0, रिजर्व में बैंक के पास हो जाएगा 1000। क्यों? क्योंकि इतना ही स्टार्टिंग में डिपॉजिट हुआ था। और जब आप इस कॉलम का टोटल करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे आपको पता लगेगा कि बैंक वालों ने टोटल 5000 रुपए का लोन जो है वो मार्केट में दे दिया है। अब देखो, बैंक के पास स्टार्टिंग में आया था 1000 रुपए, बैंक उसमें से रिजर्व भी बनाते गया और बचे पैसे को लोन में चढ़ाते गया। लास्ट में जब बैंक के पास डिपॉजिट हुई 0, हमको पता लगा कि बैंक ने तो भैया 5000 रुपए तो लोन दे दिया। अब 5000 रुपए बैंक के पास लोन के रूप में देने के लिए कहां से आए, बैंक के पास तो स्टार्टिंग में 1000 था। इसी को बोलते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग की। बैंक क्या करता है, हमारे ही पैसे से उसको मल्टीप्लाई करता है, इतनी बार उसको मल्टीप्लाई करता है कि वो अपने लिए अच्छा खासा पैसा जो है साइड में बना लेता है। इस तरीके से कमर्शियल बैंक जो है, सेंट्रल बैंक नहीं, कमर्शियल बैंक जो है वो मनी अर्न करते हैं। और ये पूरा प्रोसेस है आपका फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। अब ये जो बैंक वालों ने पैसा बनाया है, इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज के हिसाब से ये जो बैंक वालों ने पैसा बनाया है, दिस इज वॉट इज कमर्शियल बैंक मनी। यानी बैंक ने जो पैसा लोन में के रूप में दिया है, दैट इज योर कमर्शियल बैंक। क्लियर बात है एकदम? हां जी सर, बहुत ही अच्छी तरीके से इजी हौले हौले करके मैंने आपको प्रॉपर एग्जांपल देते हुए ये जो टॉपिक है टाइप ऑफ मनी एक्सप्लेन किया। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट कर सकते हो। अगला कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि वो उस टॉपिक रिलेटेड भी आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। लास्ट तक आपने वीडियो देखा, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।